तो जी हाँ, आज की वीडियो रहने वाली है पीवीसी डोर पे। तो कितना खर्चा आता है पीवीसी डोर लगाने में और कहाँ आपको बेवकूफ बना देता है दुकानदार जब आप पीवीसी डोर लेते हो। तो आज की वीडियो अगर देखोगे तो एक अच्छा पीवीसी डोर आपको मिलेगा आपके बाथरूम के लिए, आपको जहाँ भी लगाना रहेगा, क्योंकि एक तो ये सस्ता होता है, दूसरा इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तीसरा ये पानी से ख़राब नहीं होगा, टर्माइट से ख़राब नहीं होगा, तो इसको लगा सकते हैं। अगर घर की कंस्ट्रक्शन में खर्चा बचाना है तो ये सबसे ज़्यादा ऑप्शन होता है कि आप पीवीसी के डोर यूज़ करो। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, इसमें ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं कि आपको जैसा कलर चाहिए, जैसा लुक चाहिए, रॉयल लुक चाहिए, वो भी मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ, हमारा जो डोर लगाने का खर्चा रहता है 1000 स्क्वायर फीट का, अगर हम पकड़ के चलें 60 से 70 हज़ार रुपये हमारा खर्चा लगता है अगर हम लकड़ी का या ये सब मिक्स करके डोर लगाएं। लेकिन अगर जब आप पीवीसी का डोर लगवाते हो आपके घर में तो 15 से 20 हज़ार रुपये में वो अच्छा सा अच्छा डोर आपके घर में लग जाता है यार। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको पहचानना है। सबसे पहली चीज़, जो पीवीसी डोर आते हैं दो किस्म में मोस्टली हम चूज़ करते हैं, काफ़ी आते हैं, एक होता है होलो डोर, एक होता है सॉलिड पीवीसी डोर। होलो पीवीसी डोर कौन सा हो गया, जिसके अंदर खाली होता है, मतलब उसमें गैप होता है। जैसे आप सामने देख रहे हो ये है होलो पीवीसी डोर, मतलब दोनों तरफ पतली पतली शीट्स होती हैं, बीच में वो खाली होता है। ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कितना खर्चा पड़ेगा अगर होलो लगाना रहेगा। जब आप होलो पीवीसी डोर लगाते हो इसमें पैटर्न काफ़ी ज़्यादा आपको मिलते हैं, डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा आपको मिलते हैं और ये आपको लकड़ी की तरह ही दिखेगा, क्योंकि ये 25 से 40 एमएम इसकी मोटाई रहती है, तो आपको लगेगा कि आपने लकड़ी का डोर ही यूज़ किया। देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लकड़ी की तरह लगता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत रहती है, डिसएडवांटेज रहती है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि अगर इसको किसी पेन से मारोगे या टांग से मारोगे तो वो ये खाली हो सकता है, ख़राब हो सकता है, मतलब इसमें फट सकता है, तो इसकी इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, मतलब लाइफ नहीं होती, क्योंकि बच्चे मार रहे हैं या आप खुद से टांग लग गई तो टूटने का डर रहता है। अगर आपके घर में बच्चे नहीं है या टूटने का डर नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सस्ता भी है और देखने में रियल ऐसा लगेगा कि लकड़ी का ही डोर है, काफ़ी फिनिशिंग, काफ़ी इसमें पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हो गया होलो डोर। अगर हम प्राइस की बात करें, आगे मैं अलग से पूरा लिख के बताऊंगा कि कितने बाय कितने डोर है, कितना खर्चा आएगा। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो 130 से 150 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। कितना? 130 से 150 रुपया पर स्क्वायर फीट। फिर हम बात करते हैं सॉलिड पीवीसी डोर जो रहते हैं। सॉलिड पीवीसी डोर का मतलब क्या होगा, वो उसके अंदर कोई हवा ववा नहीं भरी होगी या खाली नहीं होगा अंदर से, वो मोटा रहेगा जितनी भी उसकी थिकनेस हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप पैन मारो, टांग मारो, टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब इतनी जल्दी वो ख़राब नहीं होता, लाइफ उसकी काफ़ी ज़्यादा रहती है। जो सॉलिड पीवीसी डोर है तो वो आप एक ऑप्शन रख सकते हो, जहाँ पानी लगता है, जहाँ जो भी है, आप पूरे घर में वो लगवा सकते हो। उसमें भी आपको पैटर्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब आपको वुडन टेक्सचर चाहिए वुडन मिलेगा, आपको जो कलर चाहिए वो कलर मिलेगा, मोटाई थिकनाई हर चीज़ उसमें मिल जाती है। तो एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपके घर के लिए अगर पीवीसी डोर सॉलिड में आप लगाते हो। तो पहले मैं सॉलिड डोर का रेट और खर्चा बता देता हूँ, फिर दुकानदार आपको कैसे बेवकूफ बनाते हैं वो देखते हैं। हमारा डोर है, ठीक है, बाथरूम में लगा रहे हो, बाथरूम का डोर पकड़ लेते हैं, 2.5 फुट ऐसे हैं, 6 फुट ऐसे लंबा है वो, ठीक है, 2.5 बाई 6 का हमारा हो है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप जब भी मार्केट में लेने जाओ कभी भी ऐसे डोर मत लो कि ये 3000 का डोर है, ये 2000 का पीवीसी का डोर है, ये 4000 का पीवीसी का डोर है, ऐसे मत लो। उसको बोलो पर स्क्वायर फीट कितने का पड़ेगा। उससे क्या होता है, आप 2-3 दुकान में पूछ के रेट आपको पता चलता है कि अगर इस डिज़ाइन इस पैटर्न में लेते हैं तो इतना रुपया पर स्क्वायर फीट चल रहा है, 3000 का 4000 का, उसमें कन्फ्यूजन रहती है, वहाँ वेंडर आपको बेवकूफ बना सकता है। तो आपको पर स्क्वायर फीट में लेना है, 2.5 बाई 6 का हमारा डोर है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई गुणा कर देना है आपको, तो 15 स्क्वायर फीट हमारा कुछ बनता है ये डोर, कितना, 15 स्क्वायर फीट। और इस समय अच्छा डोर आपको मिल जाएगा पीवीसी का 175 रुपये पर स्क्वायर फीट, आपको वुडन पैटर्न में मिल जाएंगे शाइनिंग में जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा, और 200 से 200 रुपये पर स्क्वायर फीट भी है। उसमें क्या होगा, 3D डिज़ाइन होंगे, उसमें 3D डिज़ाइन आ जाते हैं, मतलब इसमें जैसे आप पिक सामने देख रहे हो ये जो पीवीसी डोर है ये 3D डिज़ाइन वाला है, ये 200 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको मार्केट में मिल जाएगी, जिसमें पैटर्न आपको दिखेगा पूरा बना हुआ। तो 15 हमारा आया था, 175 रुपये रेट पकड़ते हैं, तो 2625 रुपये का हमारा डोर आ जाएगा अगर 2.5 बाई 6 का वो ऐसे आपको निकालना होता है, मतलब जितने बाई जितने का डोर है उसको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा। फिर आप में सॉलिड पीवीसी डोर जो होगा उसमें आपने देखना है 3D वाला लेना है कि सिंपल वाला लेना है। 3D वाला आपको 200 रुपये पर स्क्वायर फीट में पड़ेगा,
और ये आपको पड़ जाएगा मतलब 145 से स्टार्ट हो जाता है लगभग ये, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो आपको 200 तक ये मिल जाएगा सिंपल वाला, ये सिंपल वाले का रेट हमने निकाला, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर जो होलो पीवीसी डोर होता है वो आपको क्या है, हमने पकड़ लिया हमारा दरवाजा वही 2.5x6 का है, मतलब 2.5 ऐसे है वो और 6 ऐसे है, तो 15 स्क्वायर फीट हो गया, 135 रुपये हमने उसका रेट पकड़ लिया, तो हमारा 2025 रुपये का आ गया। लेकिन ये आपको 25 से 40 एमएम में देखने को मिलेगा, मतलब देखने में ये बहुत अच्छे लगते हैं यार, हॉलो पीवीसी डोर आप पूरा लकड़ी का लगेगा, लेकिन ये खराब होने के चांसेस होते हैं, तो आपको सॉलिड पीवीसी डोर ही लगवाना है। और उसमें आपने देख लेना है, अगर 3D आप लगवाते हो तो वो पूरा उसकी थिकनेस भी मोटी होती है, तो 3D बहुत अच्छा दिखता है, तो आप उसको मेन डोर में भी यूज़ कर सकते हो, ड्राइंग रूम के डोर में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो 15 से 20 हज़ार रुपये में पूरे घर के डोर लग जाएंगे यार, अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है, जो 60-70 हज़ार रुपये का काम होना था 15-20 हज़ार रुपये में हो रहा है, तो काफ़ी खर्चा उसमें बच रहा है। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया मिल गया होगा पीवीसी डोर पे। अभी वीडियो आएगी पीवीसी डोर वर्सेस डब्ल्यूपीसी डोर, और जहां घर में कोई भी डोर आप लगवाते हो पीवीसी, एल्युमिनियम या लकड़ी का, कौन सा लगवाना मतलब लगवाने में कितना खर्चा आएगा वो भी मैं बताऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो, कमेंट करना, वीडियो आपके लिए हाजिर हो जाएगी। थैंक यू गाइस।